भाई आलू के साइज कैसे बढ़ाएं, आलू की संख्या भी कैसे बढ़ाएं, आलू के फसल जो हो सबसे अच्छा हो वो तगड़ा वाला फसल कैसे ले, ये आलू को कैसे फुलाएं, ये सब बारे में किसान भाई पूछते रहते हैं। हम आज पूरा वीडियो आपको लेके आए हैं और जो तीन चार खाद के बारे में बताएंगे वो क्या क्या काम करेगी उसके बारे में भी बता देंगे, और वो कैसे प्रयोग करना है वो उसे भी बता देंगे। अगर इसे स्प्रे फॉर्म में आप प्रयोग कीजिएगा तो आपका वो प्लांट बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा और बड़ा बड़ा आलू होने लगेगा। जितना भी बड़ा होगा उतना ही मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। मार्केट में बड़ा वाला आलू का ज़्यादा सबसे ज़्यादा दाम रहता है, इसलिए किसान भाई बड़ा आलू खोजना चाहते हैं। और बड़ा आलू का जितना ज़्यादा संख्या होगा उतना ज़्यादा आलू आपका बढ़ने लगेगा और उतना ज़्यादा आपका आलू ज़्यादा उत्पादन देने लगेगा। छोटा आलू में ये नहीं होता है, छोटा भी आलू जो हो ये दवा आप प्रयोग कीजिएगा तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मैं ऐसा ही वीडियो बार बार लाता रहता हूँ। ऐसे तो आलू में बहुत सारा खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है, 45 दिन के बाद ये ही चीज़ आप स्प्रे कर दीजिएगा तो वो ही प्रयोग अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 45 दिन के बाद ही इसमें जो ग्रोथ होना होगा वो हो जाएगा। उसके बाद इसमें आलू का कंद बढ़ना चाहिए। जैसे ही कंद बढ़ने के लिए आपको जो भी खाद मैं प्रयोग करूँगा वो आपको बताऊँगा, आप उसका स्प्रे कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कितना अच्छा आपका ग्रोथ करने लगेगा आलू। आलू तो ऐसे फसल ऐसा है जो आपका एक बार आप लगा दीजिएगा तो वो 90 दिन में आपका तैयार हो जाता है, लेकिन ये दवा आपको प्रयोग करना है जो 75 दिन के बाद का आपका आलू जैसे ही हो वैसे ही आप ये दवा प्रयोग करना चालू कर देंगे। मतलब 55 से लेकर 75 दिन के अंदर में होता है ये प्रयोग करना, क्योंकि 75 दिन में जैसे ही आप अगर एक बार कीजिएगा, अगर कोल्ड स्टोर में रखना है तो 2 बार कर दीजिए, अगर कोल्ड स्टोर में नहीं रखना है तो 1 बार ही करना होगा, वो भी 75 दिन के बाद करना होगा। अगर कोल्ड स्टोर में रखना है तो 2 बार करना होगा 55 दिन पर। एक लिहोसिन नाम का दवा आता है, ये 250 से 300 ml ले लीजिएगा। इस पर पहले भी वीडियो बनाया है वो भी देख सकते हैं, और इस 250 से 300 ml ले लीजिएगा और उसे 1 एकड़ के लिए इतना ही हुआ 55 दिन पे आप एक बार प्रयोग कर दीजिए। अगर 55 दिनों के बाद 75 दिन पे दोबारा कर सकते हैं। लिहोसिन बहुत अच्छा है, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ये मतलब प्लांट का ग्रोथ एकाएक रोक देगा और उसके बाद ये कंद बनाने में बैठने लगेगा और कंद को बड़ा करने लगेगा, यही इसका काम है। और चिपको ले लीजिएगा जिसे स्टिकर कहा जाता है, इसका भी 250 से 300 ml आपको लेना होगा या 200 ml, आप वहाँ से पता लगा लीजिएगा आपके जहाँ से ये दवा खरीदिएगा, क्योंकि दवा दुकानदार को ये सब पता रहता है। और तीसरा की बात करें तो NPK 0050 ले लीजिएगा, NPK 0050 ये भी बहुत अच्छा होता है और ये सब जैसे ही मिला लीजिएगा। और ये एक डब्बा में आप पानी के सहायता से अच्छी पानी ले लीजिएगा जो कि साफ हो, एकदम RO टाइप का पानी हो, जो कि किसान भाई अच्छा अच्छा खेत में से ले लेने लगते हैं, लेकिन किसी के खेत में से ऐसा भी पानी रहता है जो गड्ढा में पड़ा रहता है, वो उसमें बहुत सारा वगैरह वगैरह सामान पड़ा रहता है, जैसे कोई यूरिया ज़्यादा प्रयोग कर दिया वो ऐसा रहता है। लेकिन अभी यूरिया के जो आवश्यकता, यूरिया का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि 45 दिन के बाद तो ये इसमें कोई आपका प्रयोग काम नहीं करेगा। जैसे ही ये सब मिला के आपको 1 लीटर पानी में पहले घोर लीजिएगा ये पहले, उसके बाद इसे जितना ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी 1 एकड़ में आप उतना में डाल दीजिए और देखिए कितना अच्छा ये प्रयोग होने लगेगा। और इसमें आलू जैसे ही आप दीजिएगा पहली बार तो ये देखिएगा नीचे आलू छोटा छोटा बड़ा होने लगेगा, जैसे ही दोबारा 75 दिन पे आप चालू कीजिएगा तो वो देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा आलू होने लगेगा। और ये आप 15 से 20 दिन में इसका देखिएगा, जो आपका सभी पूछने लगेंगे जो ऐसा क्यों आपने ये प्रयोग कर दिया, सभी ये दवा का नाम पूछने लगेंगे, तो आप देख लीजिएगा जो सबसे अच्छा आपका ही आलू बैठेगा।